ही किसान कर्ज माफी की तकरार अब सदन तक पहुंच चुकी है। सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सभी विधायक सदन से बाहर आकर किसानों की कर्ज माफी के समर्थक में नारे लगाने लगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों को छला गया है, आज तक किसी भी किसान की कर्ज माफी नहीं हुई है। कमलनाथ सरकार किसानों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक कर्ज माफी के चक्कर में उलझाए हुए हैं। अगर किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए तो सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन होगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि 15 साल के शासन में भाजपा को किसानों की याद नहीं आई, ये पूरा मामला सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए है। चुनाव के समय कांग्रेस ने वचन दिया था किसानों को कि 2 लाख रुपए तक के सारे किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, 10 दिन के अंदर माफ किए जाएंगे और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। 7 महीने हो गए, आज तक किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। किसानों के साथ धोखा और ठगी की है सरकार ने। वचन पत्र में कहा था 2 लाख तक के किसानों के सारे कर्जे माफ, और जब आदेश सरकार ने निकाला तो केवल ये निकाला कि अल्पकालीन फसली ऋण माफ किए जाएंगे। कई किसान इसी में बाहर कर दिए गए, और जो अल्पकालीन फसली ऋण है वो 48,000 करोड़ रुपए का है। उसके बदले ऊंट केमों में जीरा जैसे केवल 5,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया और खातों में केवल 1,400 करोड़ रुपया पहुंचा। आज हालत यह है कि किसान डिफाल्टर हो गए। खाद और बीज के लिए बैंक उन्हें कर्जा नहीं दे रहा है। बैंक ये कह रहे हैं कि पहले पैसा जमा करो, इसके बाद आपको खाद बीज के लिए कर्जा दिया जाएगा। टका भी मिल नहीं रही है। 107 रुपया सरकार ने घोषणा की थी समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, एक ने पैसे की राशि नहीं दी। धान के किसान कहीं भटक रहे हैं, उनको धान पहले खरीद के धान रिजेक्ट कर दिया गया। मूंग की खरीदी सरकार ने नहीं की, पौने पौने दाम पे किसानों ने 3,000 और 4,000 रुपया क्विंटल मूंग बेची। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मूंग की खरीदी नहीं हुई, उड़द की खरीदी नहीं हुई। सोयाबीन का बोनस जो 500 रुपये क्विंटल देना था वो सोयाबीन का बोनस नहीं दिया गया, मक्के का बोनस नहीं दिया गया, चना जैसी चीज़ें तो खरीदी नहीं गई, और ये चारों तरफ किसानों में तबाही मची है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, पूर्व मुख्यमंत्री से, उनके पूर्व मंत्रियों से पूछना चाहूंगा कि पिछले 15 साल भाजपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार जब थी तो उन्हें क्यों किसानों की चिंता नहीं हुई? भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की? अगर शिवराज सिंह चौहान जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को और उनके पूर्व मंत्रियों को किसानों की इतनी चिंता थी तो उन्होंने अपने पिछले 15 साल में किसानों का एक भी पैसे का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? ये किसान विरोधी सरकार थी, आज विपक्ष में है तो किसानों की चिंता इन्हें होने लगी। वास्तव में पिछले 15 साल में किसान इनसे पीड़ित रहा है और सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या मध्य प्रदेश में हुई है।